अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार को महानगर के गोलघर स्थित प्रधान डाकघर परिसर में सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मृतक आश्रितों को नौकरी, पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। इस अवसर पर संजय राय, जयप्रकाश सिंह, अरविंद कुमार, सुमन रामदरस सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनार्दन सिंह ने कहा, साफ जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 जनार्दन सिंह, क्षेत्रीय मंत्री, गोरखपुर परिक्षेत्र, गोरखपुर। प्रदर्शन हम लोग जो है, सरकार जो है नई नई नीतियों को ला करके विभाग को प्रदर्शन करना चाहती है, कर्मचारियों के ऊपर टारगेट दे करके और उनका जो है सारी मनोवैज्ञानिक रूप से जो है दबाव डालती है कार्य को लेकर के। हमारे कर्मचारी सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक कार्य करते हैं और इसके अलावा जो है पुरानी पेंशन जो पेंशन नीति है उसको लागू करना चाहिए और नए पेंशन नीति को ख़त्म करें और रिलैक्सेशन अपॉइंटमेंट जो कर्मचारी जो है मृत हो जाता है उसको न पेंशन दे रहे हैं और न तो जो है उनके जो है परिजन को किसी तरह सर्विस मिल रहा है। तो ये तमाम जो जो सरकार की जो है कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ़ में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं।